हेलो गाइज, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज जो अंडर ग्रेजुएट के जो एडमिशन्स के प्रोसेस चल रहे थे उसमें तो आज बहुत कुछ अच्छा अपडेट भी आया है और इससे बहुत अच्छे कुछ चांसेस भी आपके क्रिएट होते हैं, स्पेशली पटना यूनिवर्सिटी के लिए। और क्या कुछ चांसेस है और क्या कुछ अभी का जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। कई सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी इस वीडियो में है और आगे जो आने वाला, जो कल जो आने वाला आपके साथ जो प्रॉब्लम होने वाला है उसके बारे में पहले ही मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर अच्छी बात के बारे में बात की जाए तो BHU का रिजल्ट आ चुका है। BHU का रिजल्ट आने से क्या होगा कि जो एडमिशन, जो अच्छे सीट है, जैसे जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में या मैथ में, तो जो अच्छे सारे सीट्स है यानी जो जिनका अच्छा परसेंटेज था या फिर जिनके पास मेरिट था, वो इससे भी बेटर यूनिवर्सिटी में ट्राई किए थे और वो था BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और उसमें बखूबी बहुत सारे बच्चों का एडमिशन भी हुआ होगा, उनका अच्छा मार्क्स आया होगा, उनका रेंज में होगा। तो इससे क्या होगा कि पटना यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बेहतर जो ऑनर्स है उसमें एडमिशन कैंसिल होगा, जिसके कारण सीटों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन इन्हें कन्फर्म है कि जो भी सीट एक्सटेंड होगा उसका डिस्कशन या फिर जो सीट आपका कैंसिल होने के कारण बचता है वो सीट का डिस्कस इस स्पॉट एडमिशन में नहीं हो पाएगा। कारण है कि जो सीट का डिटेल है ऑलरेडी अपलोडेड है, तो ये जो सारा सीट एडमिशन जो कैंसिल होने के बाद जो सीट अच्छे सारे सीट्स बचेंगे वो सारा सीट आपका कैजुअल एडमिशन के प्रोसेस में कंप्लीट होगा। तो कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस अब तो आना 100% कंफर्म रीजंस के कारण हो गया। रीजन हो गया कि BHU पीछे पड़ गई आपको स्पॉट एडमिशन्स के प्रोसेस से। तो जब जो भी सारा सीट बचा है वो सारा सीट का आप जो यानी जो स्पॉट एडमिशन्स के बाद या फिर जो एडमिशन कैंसिल करने के बाद जो भी सारा सीट बचेगा वो सीट पे कैजुअल एडमिशन तो अब 100% होगा। और जब भी कैजुअल एडमिशन का नोटिस आएगा हम आपको बताएंगे, तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप कनेक्टेड रहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगा, देन आपका एडमिशन भी प्रॉपर होगा। ये तो आपका आगे आने वाले जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके बारे में डिस्कशन हो गया। अब जो सिचुएशन, अभी का जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन को समझिए। कल का डेट था आपका 22 नवंबर। 22 नवंबर को प्रॉपरली MMC के कई सारे, मतलब जो जिनको भी MMC में एडमिशन लेना था, और आप जानते हैं कि MMC में एडमिशन गर्ल्स का होता है, और जो भी गर्ल्स ने अप्लाई किया था उनका आज अलॉटमेंट आया। अलॉटमेंट मीन्स कहीं लिस्ट नहीं आया जिसमें सारे गर्ल्स का एक जगह नाम हो, और टोटल सीट 162 सीट्स के लिए आप जानते हैं समथिंग 800 के आसपास एप्लीकेशन सबमिट भी हुआ। तो इसे आप उम्मीद भी लगा सकते हैं कि कल के जो होने वाले प्रोसेस है पटना साइंस कॉलेज में उसमें कितना एडमिशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट होगा। वो खाली गर्ल्स के लिए डिमांड था और साइंस कॉलेज में कल तो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए डिमांड है। तो डिमांड के अकॉर्डिंग कितना कुछ एप्लीकेशन सबमिट होगा वो आप बात जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ कि एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए स्टूडेंट्स को लॉगिन होना पड़ता है, और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा प्रॉब्लम है कि अगर आप लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करते, जैसे देखिए मैं लाइव भी आपको करके भी दिखा रहा हूं, अगर फॉर एडमिशन वाले सेक्शन पर आकर मैं लॉगिन होने के लिए ट्राई करता हूं, जैसे कैंडिडेट लॉगिन का सेक्शन है और कैंडिडेट लॉगिन में अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड यूज करके अगर मैं लॉगिन होना चाहता हूं, लेटर सपोज कि मैं लॉगिन होता हूं और लॉगिन होने के लिए कुछ डिटेल्स को फिलअप करते हैं, और देखिए हमारे पास कई सारे आईडीज हैं एंड पासवर्ड है, एक आध दो आईडीज पासवर्ड को ट्राई करके दिखाते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली हो कहां रहा है। प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ है वो देखिए, प्रॉब्लम यहाँ है आपके आईडी के साथ भी, क्या यू आर नॉट एलिजिबल टू लॉगिन का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अगर ये आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आप कल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ऐसा रियली मगध महिला कॉलेज में अप्लाई करने के टाइम में कई सारे गर्ल्स के साथ हुआ, और मेरे साथ 3 गर्ल्स का ऐसा हुआ जिनका लॉगिन नहीं हो पा रहा था, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, शाम तक ट्राई भी किए लेकिन फिर भी कुछ बात नहीं बना। मैं यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट किया तो वो रिस्पॉन्स उनसे नहीं मिला। तो इसका जो फर्दर सॉल्यूशन है वो मैं भी अभी आपको बता भी दे रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप कन्फर्म हो जाइए कि आपका लॉगिन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और देखिए इनका, जैसे इनका जो भी आईडी है, देखिए इनके आईडी से मैं लॉगिन हो रहा हूँ, देखिए आईडी एंड पासवर्ड दोनों को मैं सही डाल रहा हूँ, पहले मैं खुद लॉगिन होता था लेकिन अभी मैं लॉगिन नहीं हो पा रहा हूँ। इसके बाद कुछ टाइम लेता है, टाइम लेने के बाद यू आर नॉट एलिजिबल टू लॉगिन का इनका पॉपअप शो कर देता है। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम है, देखिए इनका फाइनली शो कर दिया यू आर नॉट एलिजिबल टू लॉगिन। तो पहले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होगा कि वो अपना फटाफट चेकआउट कर ले जो भी कल अप्लाई करने वाले हैं, कि उनका यू आर नॉट एलिजिबल का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर उसके सॉल्यूशन मैं भी बता रहा हूँ जो आपको अप्लाई करना है। अगर जो भी स्टूडेंट्स पटना यूनिवर्सिटी के नजदीक में हुआ वो क्या करेंगे कि यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट करेंगे, और यूनिवर्सिटी आपको जाकर के कॉन्टैक्ट करना है। अगर आप यूनिवर्सिटी के नजदीक हैं तो, जो दूर है उनके लिए मैं ट्राई करूंगा कि मैं कॉन्टैक्ट करूँ किसी तरीके से, फिर आपके लिए फर्दर सपोर्ट कर सकूँ, लेकिन उसके लिए हमें कुछ टाइम चाहिए। और इसीलिए मैं आपको पहले वीडियो बना करके दे रहा हूँ कि आपके पास अभी 1 से 2 घंटे का टाइम है, और इस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, सबको अपना अपना लॉगिन आईडी चेक करना है कि वो लॉगिन हो पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे, या फिर उनमें भी इस प्रकार का प्रॉब्लम शो कर रहा है। साथ में रिक्वेस्ट होगा कि जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम शो करेगा वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड हमारे साथ शेयर करेंगे, प्लस अपना परसेंटेज बताएंगे उनका एक्जैक्टली परसेंटेज कितना है। परसेंटेज से भी मैं कुछ डाटा को मतलब डाटा को कैलकुलेट कर रहा हूँ, कि ऐसा तो नहीं कि कोई कंडीशन को अप्लाई किया गया है, लेकिन मैक्सिमम उम्मीद है कि कंडीशन किसी प्रकार का नहीं है, क्योंकि 61 जो स्टूडेंट्स थे 79% था उनका भी लॉगिन नहीं हो रहा था, और एक ऐसे भी थे जिनका 49 था, 50% के आसपास था, उनका भी लॉगिन नहीं हो रहा था। तो इससे ये तो पता नहीं चलता है कि कोई परसेंटेज का डिफरेंस है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी जो नोटिस निकाली थी उसमें क्लियरली मेंशन की थी कि सभी आवेदकों को चांस मिलेगा। इसमें बताया गया था, हिंदी का नोटिस था यानी हिंदी के फॉर्म में नोटिस था, उसमें बताया गया था कि सभी को चांस मिलेगा यानी एवरी एप्लीकेंट्स को चांस मिलेगा, तो उस अकॉर्डिंग से ये काम होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर इस प्रकार का फर्दर प्रॉब्लम वगैरह होता है तो फिर आप हमें बताइएगा कि आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अभी का जो सिचुएशन है इसमें जो प्लानिंग था कल के अकॉर्डिंग 22 नवंबर को MMC के लिए अप्लाई हुआ, MMC के अप्लाई करने के बाद 23 नवंबर को उनका डिक्लेरेशन आया, मतलब डिक्लेरेशन करने का मतलब तो होता है अलॉटमेंट आया है, और अलॉटमेंट आपको रात के 12 बजे के बाद ही लगभग अपलोड कर दिया गया था, ये कन्फर्म है। मतलब आज आप जैसे सेम तरीके से कल आप अप्लाई करेंगे 24 को, तो फिर 24 के रात के 12 बजे के बाद देखिएगा अगर आपका होने का रहेगा तो फिर आपका अलॉटमेंट 25 को से ही, मतलब जैसे ही 25 का डेट होता है, चूंकि इसमें बताया गया है
प्रोग्राम में जब आप ध्यान दिए होंगे तो उसमें बताया गया था अप्लाई करने के बारे में 10 बजे से सुबह लेकर के शाम के 5 बजे तक, और पेमेंट के बारे में भी बताया गया था सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4-5 बजे तक बताया गया था पेमेंट के बारे में, लेकिन अलॉटमेंट के बारे में कोई टाइम नहीं बताया गया था। तो अलॉटमेंट में क्या किया जा रहा है कि 22 को आप अप्लाई करते हैं, 23 को अगर आपका अलॉटमेंट हो तो रात के 12 बजे से ही आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जैसे ही आपका डाउनलोड होगा फिर आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट हमेशा 10 से 4 के ही बीच में कीजिएगा ताकि पेमेंट वगैरह सही से सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो और आपका एडमिशन के लिए जो सीट है वो लॉक हो सके। तो ये पेमेंट का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको बता दिया, जो यू आर नॉट एलिजिबल टू लॉगिन का प्रॉब्लम है इसे मैंने बता दिया, और इसे प्लीज़ आप सीरियसली लीजिएगा क्योंकि कल फिर आपको प्रॉब्लम होगा, आपको प्रॉब्लम होगा तो फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा, फिर हो सकता है कॉन्टैक्ट आपका हो पाए या नहीं हो पाए तो फिर आपका कल एडमिशन होते होते रह जाएगा, क्योंकि MMC में कई सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन होते होते रह गया है, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। इसलिए मैं काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फटाफट जो मैं डाटा भी प्रिपेयर करना चाह रहा हूँ उस डाटा में सपोर्ट करें और चेकआउट करके बताएं कि आप एलिजिबल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, और MMC में ध्यान देंगे कि जिनका भी आज अलॉटमेंट आया है कल उनसे काइंडली रिक्वेस्ट होगा कि वो सारा डॉक्यूमेंट्स के प्रोसेस को कंप्लीट करें, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के कल कॉलेज विजिट करें, और कॉलेज विजिट करने के बाद अपने एडमिशन को कंफर्म करें। और यह भी एक बात उनके साथ रहेगा कि अगर उनको पसंद नहीं है, मान लीजिए कि अगर उनको जो भी उनका अलॉटमेंट है, मान लीजिए किसी को उर्दू दे दिया गया है जनरल रहते हुए भी और उनको उर्दू में पसंद रहे और जबरदस्ती उनका अलॉटमेंट आ गया, तो वो क्या कोशिश करेंगे कि पेमेंट नहीं करें। ऐसा नहीं कि पेमेंट कर देंगे तो फिर आप आगे फर्दर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं अभी एक्जैक्टली कंफर्म नहीं है, बट ये सारा डिटेल्स जो कि आज मैं जब यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट करने के लिए जो हेल्पलाइन का नंबर था या फिर जो भी हमारे उनसे मैं ट्राई कर रहा था तो फिर आज कांटेक्ट हो नहीं पाया, तो फिर जैसे ही कांटेक्ट होता है फिर मैं आपको बता दूंगा कि जिनका एडमिशन हो चुका है वो क्या अगर पसंद नहीं है तो फिर क्या दूसरे कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। मतलब कहने का कि मान लीजिए कि मगध महिला कॉलेज में कोई गर्ल्स ने ट्राई किया होगा साइंस के मोटिवेटिव से और उनको मिल गया मान लीजिए कि हिंदी और वो चाह रहे थे साइंस, लेकिन हिंदी का जब अलॉटमेंट आया तो वो पेमेंट भी कर दिया हिंदी का मान लीजिए, तो क्या वो कल जो होने वाला जो प्रोसेस है पटना साइंस कॉलेज में वो फिर से साइंस के लिए ट्राई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। ये जो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में अभी प्रॉपरली मेरा डिस्कशन नहीं हो पाया है, तो जैसे ही डिस्कशन होगा फिर फर्दर वीडियोज बना करके आपके लिए अवेलेबल कर देंगे। सो गाइस ये सारे 3-4 प्रॉब्लम थे, वो सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया, और आशा भी करते हैं कि जो भी सारे प्रॉब्लम्स होगा वो हमारा प्रॉब्लम्स आपको भी अपने प्रॉब्लम जैसा लग रहा होगा, और आपका अगर प्रॉब्लम्स के आपके पास अगर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो तो आप हमें बता सकते हैं, सारे कॉन्टैक्ट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे हम काम करें इसमें सपोर्ट करें, और अगर फिर भी कुछ आपकी क्वेरी हो और आपके कुछ कमेंट्स हो तो फिर आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर हमारे जो भी सारे डिटेल्स है उस डिटेल से कॉन्टैक्ट कीजिए, फिर हम आपके फर्दर सपोर्ट के लिए हमेशा स्टैंड अप हैं। सो गाइस फाइनल वीडियो को एंड करते हैं, और जो मैं एडमिशन के लिए जो मैं बताया हूँ कि MMC वाले लगभग गर्ल्स पेमेंट कर चुके होंगे और पेमेंट करने के बाद कल अपने एडमिशन को हर हालत में कंफर्म कर लेंगे, ऐसा नहीं कि अलॉटमेंट आने के बाद भी उनका एडमिशन रह जाए, इस बात का ध्यान रखिए। सो गाइस फाइनली वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस।